हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वाचिंग टेक्निक इंडिया। तो यार मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं पास्ट में कि हमें आईपैड लेना चाहिए, लैपटॉप लेना चाहिए। जैसे अगर आपको बजट 30,000 है, 50,000 है, 60,000 है, तो यार देखो यार ये टोटली डिपेंड करता है। मैं आपको पहले बता देता हूँ, आईपैड 100% आपकी लैपटॉप रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं कर पाएगा, बट कई चीज़ों में लैपटॉप से भी ज़्यादा एक्सीड कर जाएगा। तो मैं आपको ये थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। अगर आपके पास और भी कुछ ऐसी चीज़ें हों जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं करी है, तो आप मेरे को कॉमेंट में पूछ सकते हैं कि भाई हम ये वाली चीज़ करते हैं, हमें इसमें फिजिबल होगा या नहीं, तो मैं कॉमेंट करूँगा या भी हो सकता है मैं इसका एक पार्ट टू भी निकालूं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आईपैड क्या अच्छा कर सकता है कि अगर आप एंटरटेनमेंट के लिए ज्यादा चाहिए आपको, तो नो डाउट आईपैड की एक तो टच स्क्रीन है तो यूजर फ्रेंडली हो जाता है, प्लस स्क्रीन्स अच्छी है इसकी। अगर आप कंपेयर करो उसी बजट रेंज में, जैसे आप 30 पे हो तो 30 वाले लैपटॉप के सामने, 50 हो तो 50 वाले लैपटॉप के सामने, तो उसके कंपैरिजन में इसकी स्क्रीन बेटर है अगेन, एंड टच स्क्रीन है तो यूज़र फ्रेंडली हो जाता है। तो ओवरऑल एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए आपको एक बेटर यूज़र फ्रेंडली एनवायरनमेंट आपको मिलेगा आईपैड के अंदर। सेकेंड, नोट टेकिंग। भाई नोट टेकिंग आप लैपटॉप्स में नहीं ले सकते हो, टच स्क्रीन वाला लैपटॉप बहुत कॉस्टली है 80-85,000 के, बट अगर आप आईपैड प्रो, एयर 4 या 8 जन ले रहे हैं तो ये सब आपको वैरायटी ऑफ रेंजेस में मिलेंगे, बट आपको उसमें एक बेटर इंप्रूवमेंट भी सब में मिलेगा। तो आप चाहे प्रो लें, चाहे एयर 4 लें या सब में, आपको अच्छा नोट टेकिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। थोड़ा यार देखो 8 जन में हल्का स्लगिश लगता है 60 हर्ट्स की रिफ्रेश रेट होने की वजह से, बट उसका प्राइस पॉइंट भी काफ़ी कम है, तो 30,000 में मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया वो आपको एक्सपीरियंस दे देता है। इसके अलावा क्या है, जैसे वीडियो एडिटिंग है, मेरे पास मैकबुक एयर था, जो मेरा मैकबुक एयर डेड हो गया रिसेंटली, तो मैं उसमें वीडियो एडिटिंग करता था पहले, बट रिसेंटली आई स्विच टू आईपैड प्रो। तो आईपैड प्रो के अंदर मैंने वीडियो एडिटिंग जब से शुरू करी है लूमा फ्यूजन में, तो इट हैज़ मेड माई लाइफ अ लॉट ईजियर। क्यों? एक तो यार बहुत जल्दी रेंडर होता है क्योंकि प्रोसेसर बहुत पावरफुल है। जिस प्राइस पॉइंट की बात कर रहे हो उस प्राइस पॉइंट में इससे पावरफुल प्रोसेसर वाला आपको ना लैपटॉप मिलेगा ना कुछ, अगर इस वीडियो एडिटिंग के टर्म्स में अगर मैं बात करूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा एड ऑन बेनिफिट मिलता है जब से मैं आईपैड में एडिटिंग करना शुरू किया। तो इस चीज़ के लिए मेरे को लगता है आईपैड इज़ रियली 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 गुड। तो जो कि एप्पल का प्रोसेसर है वो काफ़ी बढ़िया है। प्रोसेसर की भी बात करें तो यार इस रेंज में काफ़ी सही प्रोसेसिंग पावर मिल जाती है आपको आईपैड में, चाहे एयर 4 लें, चाहे आप प्रो लें, चाहे आप कंपेयर करें 8 जन से। 8 जन 30,000 रुपये का, 30,000 रुपये के लैपटॉप भाई लिटरली हैंग होके मर जाते हैं, बट आईपैड आपका नहीं होता उतना हैंग। तो ये चीज़ काफ़ी सही है आईपैड की। सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, मोबिलिटी। इजीली आप मोबाइल है वो मोबिलिटी है उसकी, आप इजीली कैरी कर सकते हैं कहीं पे भी कंपैरेटिव टू लैपटॉप। लैपटॉप भी यार मोबाइल है, बट अगेन आईपैड आर मोर मोबाइल कंपेयर टू लैपटॉप्स, एंड मोबाइल गेमिंग वगैरह आप इसमें इजीली कर सकते हैं जो कि काफ़ी सही है, टच स्क्रीन गेमिंग एंड ऑल। तो अब आती है बात जो कि हम आईपैड में नहीं कर सकते हैं और लैपटॉप बेटर देता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आईपैड में नहीं कर सकते हैं, आईपैड में हम कर सकते हैं। जैसे टाइपिंग है, टाइपिंग हम आईपैड में इजीली कर सकते हैं। आप ऐसा कोई भी कीबोर्ड ले सकते हैं, जैसे ये टारगस का 1100 रुपये का कीबोर्ड है जो कि काफ़ी अच्छा है और आपको टाइपिंग एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया मिलने वाला है। बट काफ़ी सारी हमारी जो डे टू डे यूजेज वाली ऐप्स है, जैसे एक्सेल, वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, इन सब ऐप में इतना अच्छा ऑप्टिमाइजेशन नहीं है टूवर्ड्स आईपैड ओएस, तो इसी वजह से आपका एक यूज़र एक्सपीरियंस ओवरऑल अच्छा नहीं रहता है। कोडिंग की चीज़ ले लो, आप एक्सेल वाली चीज़ ले लो, तो इसमें ऐप उस लेवल पे ऑप्टिमाइज नहीं है कि वो आईपैड में उतना अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस दे सके, तो वहाँ एक बहुत बड़ी इशू आ जाता है। मैं नहीं कहूँगा आईपैड केपेबल नहीं है, भाई आईपैड बहुत केपेबल है। पहले iOS चलता था आईपैड में, तो आईपैड की केपेबिलिटी और भी लो थी, मतलब आईपैड का जो हमारा यूजेबिलिटी हम निकाल पा रहे थे वो काफ़ी कम निकाल रहे थे। आईपैड OS आने के बाद हमने उसको मैक्सिमाइज और कर दिया, बट स्टिल कई चीज़ें हैं, जैसे ये कोडिंग हो गया, एक्सेल हो गया, तो ये स्टिल अभी है ऐसी जिसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और रिसेंट फ्यूचर में आई एम रियली एक्सपेक्टिंग कि एप्पल ये करेगा ही करेगा और कम्प्लीटली लैपटॉप का रिप्लेसमेंट क्रिएट हो जाएगा आईपैड, क्योंकि यार देखो प्रोसेसिंग पावर बहुत बेहतरीन है, टच स्क्रीन आपको मिल रहा है। अगर आप ये टाइपिंग वाली चीज़ें भी अच्छे से कर पाएंगे तो मेरे को लगता नहीं कुछ रह जाएगा आईपैड में किसी नॉर्मल पर्सन के लिए, यूजेज के लिए, कि जिसको भी आईपैड ओवर लैपटॉप चाहिए। तीसरी चीज़ और क्या आ सकती है, और काफ़ी सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे वर्चुअल मशीन्स बनाते हैं सॉफ्टवेयर, आईटी वाले लोग जो सब होते हैं, तो उनके लिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें बनाना इज़ नॉट दैट ईजी। तो यहाँ पे आपको एक कम्प्लीटली कंप्यूटर ही चाहिए होगा इन सब कामों के लिए। इसके अलावा जैसे आप मल्टी टास्किंग देखें, तो यार दोनों में अपनी अपनी जगह अच्छी अच्छी है मल्टी टास्किंग। अगर आप देखो तो एक टाइम पर कई सारी विंडोज़ आपके लैपटॉप में खुल जाती है, आईपैड में खुल जाती है, तो ये चीज़ थोड़ी डिबेटेबल है। तो मैं इसको ऐसा नहीं कहूँगा इसमें आईपैड जीतेगा या लैपटॉप जीतेगा। तो मैं आपको ओवरऑल यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपका एंटरटेनमेंट पर्पस है, वीडियो एडिटिंग पर्पस है, और या फिर नोट टेकिंग पर्पस है, तो एनीवे आईपैड
100% लैपटॉप को बीट कर रहा है इन सब चीज़ों में, बट ये जो टाइपिंग एक्सपीरियंस एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट ऐसी चीज़ों पे अगर आपको ज़्यादा काम करना है तो आपके लिए थोड़ा टास्क टीडियस हो जाएगा और आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं लिटरली कि यार ये तो अजीब से चल रहा है, तेजा सा हो रहा है, जो मतलब यूज़र फ्रेंडली नहीं है, मतलब स्लो कुछ नहीं होगा बट यूज़र फ्रेंडली वाली चीज़ लैक करती है इसमें अभी ये वाली चीज़, इन चीज़ों में। तो अगर आपका यूजेज कहीं इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं है तो आप 100% आईपैड ले, चाहे 8 जन ले, चाहे एयर ले, चाहे प्रो ले, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी ये सब चीज़ें यूज़ नहीं हो रही हैं। अगर हो रही हैं तो आप मत जाएं, बट अगर नहीं हो रही हैं तो आप 100% जा सकते हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। देखो मेरा पर्सनल यूजेज में बताऊं तो मैं एक्सेल वगैरह इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता पर्सनल यूजेज में, तो मेरे को इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती कम्प्लीटली लैपटॉप को मेरे को ट्रांजिशन करने में, मतलब मेरा जो भी आईपैड है उसको कम्प्लीटली यूज़ करने में, तो थोड़ा बहुत करना होता है तो आई कैन स्टिल यूज़ वर्ड वगैरह, तो इतनी दिक्कत नहीं है। गूगल डॉक्स वगैरह बहुत ही मिनिमल 5-10% का यूजेज है तो आप बिल्कुल आईपैड कंसिडर कर सकते हैं, बट अगर आपका ज़्यादा यूजेज है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप लैपटॉप बनाएं। और ऐसी कोई पॉइंट्स है जो मैंने मिस कर दी हो या आपको लगता है कि मैं ये करता हूँ क्या ये चीज़ आईपैड में से चलेगी, तो आप मेरे को कॉमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल आंसर करने का पूरा ट्राई करूँगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और शेयर करना उन लोगों के साथ जो कन्फ्यूज हैं इनको क्या लेना है, और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल के को ऐसे अच्छे अच्छे कॉन्टेंट के लिए। ओके भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।